तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरा नमस्कार। और फिर से हम चलते हैं सारा डियन की तरफ। पिछले वीडियो में हमने बता चुका है सारा डियन के बारे में। चलिए वीडियो में बने रहिए और सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक को उसके कितने प्रतिशत हैं, उसके कितने प्रतिशत हैं। तो ई के भूगोल के प्राप्तांक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के। देखिए ये हो गया आपका ई, ठीक है। अब ई के क्या पूछ लिया, भूगोल, भूगोल यहाँ, ठीक है। 75 यानी कि 40 का 75%, और इसको हम 100 मानेंगे, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और फिर क्या दिया है, हिंदी, हिंदी के प्राप्तांक को। फिर क्या है, हिंदी का है इसमें, ये है हिंदी, 100 में से क्या है 40 का, तो निकला है, निकालना हमको इसी का 75 में। तो यहाँ पर देखिए 75/100 गुणे क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका 40 है, तो 40 लेंगे, ठीक है। 10 10 में 100, 10 100 के क्या हो गया फ्रेंड आपका 40। अब हम जाइए 200 के, 2 5 10, ठीक है, 2 2 के 4। अब 5 1 5 हो गया ना, अब इसका आ गया 15 के 15 75। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, तो ये क्या आ जाएगा, 15 2 के 30, ठीक है। अब ये पूछा क्या है कि सबसे पहले क्या है, भूगोल के प्रावधान उसके हिंदी के प्रावधान को, तो इसके बटे हम क्या करें, जब परसेंट निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसके बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ये है डी के, हिंदी का निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 60, 60 हो गया। अब गुणे क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब इसको हम सरल करते हैं, ठीक है। 10 6 60 हो गया, 10 10 में आपका 100 हो गया। अब चलिए इसको हम देखते हैं, 6 क्या 6 6 5 1 क्या हो गया 30, जिसमें हम जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया फ्रेंड आपका 50%, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। कितने परसेंट प्राप्तांकों के, उसके कितने परसेंट हैं, तो ये हो गया आपका 50%, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें पूछा क्या है, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। इतिहास ये हो गया, इतिहास यहाँ। अब इसमें पहली बार दिया क्या है, अब इस तालिका में देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये जो जो सरणी दिया गया है, जो तालिका दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। डी हो गया, यहाँ पे देखिए ये, तो डी हमको ये हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड आपका डी हो गया। अब डी में क्या दिया है, इतिहास तथा भूगोल, और कुछ नहीं देखना है हमें, क्या हो गया, इतिहास कहाँ है इसमें देखिए, ये देखिए हिस्ट्री लिखा है, तो ये क्या होगा आपका इतिहास, डी वाले में इतिहास। और फिर क्या दिया है, भूगोल, ठीक है। ये अब इसका देखिए, इसका और इसका मिला के, तो चलिए अभी हम जब मिलाएंगे तो आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसका निकालेंगे 60 का 80%, यानी कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया हूँ कि ये 100 होता है, ठीक है। अब इसका ये क्या हो गया, 80% हम निकाल लेंगे। तो हर यहाँ देखिए, अब बने रहिए फ्रेंड, 80/100, अब कितने हम निकाल रहे हैं इसका, गुड़े 60 गुड़े 60, 10 10 में 100, 10 6 60, ठीक है। फिर 10 1 10 10 8 80, ठीक है। अब ये क्या हो गया इसका, 8 6 48, ठीक है। अब ये किसका निकल के आया फ्रेंड, ये इसका हिस्ट्री का, ठीक है। इतिहास का भी हम निकाले हैं, इतिहास का ही निकाले हैं ना, ये इतिहास का ही निकला है, ठीक। ये अच्छा, ये हो गया। अब चलिए हम निकालते हैं किसका, अब पूछा किसमें, भूगोल का। अब इसी के बगल में क्या है फ्रेंड, डी, देखिए आप तालिका को ध्यान में देखिएगा, ये डी है, तो डी वाले ही लाइन में चलेगा। डी वाले में क्या है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल। अब भूगोल का भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 62/, अब ये क्या है, इसका कितना है 40 40 में से मतलब 62%, तो हम करेंगे फिर 40, ठीक है। 10 10 में 100, 10 100 के 40, ये हो गया आपका। अब फिर हम सॉल्व करेंगे, 2 से सरल करेंगे, ठीक है। फिर क्या, 2 5 10 हो गया ना, 2 3 6 हो गया, 2 1 2, ठीक है। अब इसमें हम जब गुणा कर देंगे, 4 में 4 1 क्या 4 हो गया, 4 3 12, ठीक है। 100 कितना हो गया फ्रेंड, 24 हो गया। अब 5/5, ठीक है। अब इसमें चलिए हम भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, भाग हम देख के देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। 5 2 के 10 2 आ गया, ठीक है। हम इसको 4 उतार लेते हैं, तो 5 चौके
20 हो गया आपका, ठीक है, 4 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 5 अठे की ये क्या हो गया, 40 हो गया, इसे कैंसिल हो गया, यानी कि हम इसको यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 24.80, ठीक है। और इसमें क्या कहा है कि मिलाकर, अब चलिए इसको हम ऐड करते हैं, वीडियो में थोड़ा बने रहिए, तो आप अच्छा हम निकाल किसका रहे थे फ्रेंड, इसका ना, तो ऐसे 62 40 इसके बराबर क्या आ गया आपका, इसको चलिए हम ऐड कर देते हैं ना, इसको जब हम ऐड करेंगे 48 को हम ऐड करते रहे यहाँ पे, यही हो गया 8 4 12 हो गया, 4 2 6 7, ठीक है, आपका ये निकल के चला आया, ठीक है, 72.80 है। अब इसको इसमें पूछा क्या है कि इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत, अब क्या मिले अंकों का प्रतिशत में क्या करेंगे, 60 है ये, ठीक है, और 40, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका मतलब कि परसेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72.80/100 गुणे की हम क्या कर देंगे फ्रेंड, 100 हो गया, तो 100 100 से कैंसिल हो गया, तो इसके बराबर आपका आ गया 72.80, आपका ये हो गया 9%, ठीक है। चलिए अगर ये पूछा अंकों का प्रतिशत कितना है, तो इतना है 72.80%, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, क्या है, क्या पूछा है, विज्ञान में केवल आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि विज्ञान में सभी छात्रों को, देखिए ये विज्ञान हो गया आपका, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये साइंस, साइंस यानी विज्ञान हो गया, अब ये क्या है, ये सब छात्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या आपके छात्र हो गए, तो छात्रों में क्या पूछा है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है, अरे अब यहाँ आपका आपका पूछ लिया औसत प्राप्तांक, तो हम क्या करेंगे, सभी का निकालेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये इसका हम ये हम सभी का निकालेंगे, ठीक है, ये आपको इसी का निकालना है, तो ये निकल के लाएगा, तो अब 150 को क्या निकालेंगे, 82%, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, केवल विज्ञान का निकालना है, जी हाँ फ्रेंड, और किसी का नहीं निकालना है, 82 गुणे क्या हो जाएगा, 150 10 दहा में क्या हो जाएगा आपका, 100 हो गया, फिर ये क्या हो गया, इसका हो गया 15, ठीक है। अब चलिए हम फिर दोस्त देखते हैं, 2 5 हो गया 10, 2 4 8, 2 1 2, अब क्या हो गया, 5 1 5, फिर 5 3 15, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है, 12, ये क्या है, ए बराबर कितना हो गया फ्रेंड, 3 1 3 हो गया आपका, 3 4 12 हो गया, 123, ये किसका निकल के आया अभी, अभी ए स्टूडेंट का। अब चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं बी वाले का, ठीक है, ये 85 है, तो 150 में 85% हम निकालेंगे, तो 85 वाले का, अब इसको देखते रहिएगा, तो चलिए फ्रेंड ये हो गया, ठीक है, हाँ हम गुणा कर लेते हैं, चलो गुणे 15, ठीक है, अब ये हो गया 17 85 आपका हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे इसको 17, ठीक है, 5 हो गया, 8 7 15 1 1 2, आपका यहाँ पे क्या हो गया, 255 हो गया, ठीक है, 255/2, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा आपका, फिर देखिए 2 2 9 4 हो गया है, अब यहाँ देखिए ये 5 हो गया, 2 7 14 हो गया, फिर पॉइंट लगा के 2 5 10, ठीक है, ये आपका ये कट गया, तो आपका ये बी बराबर आपका क्या आ गया, बी बराबर 127.5, ठीक है, और इसमें बने रहिएगा, ये देखिए आपका बी वाला भी निकल चला है, ये ठीक है, साइज में हम निकालने जा रहे हैं सी वाले का, सी स्टूडेंट का, अब देखिए नाम कट तो है नहीं, मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी क्या है सी वाले का, देखिए
देखिए 1 6 2 6 के 12 हो गया, 5 क्या 5 3 15, इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 6 18 हो गया, 3 3 का 9, ठीक है 9 1 10, 108। इसी वाले का क्या आ गया फ्रेंड आपका, 108 आ गया, ठीक है 108 आ गया। अब देखिए इसका अवस्था ये डी वाले का निकालने जा रहे हैं हम ना, यहाँ पे हो जाएगा डी वाला फ्रेंड 120 क्या होगा। अब देखिए डी वाले कब निकल गया, अब निकालने जा रहे हैं ई वाले का, ठीक है ई क्या है ई वाला 68, इसका भी हम निकाल दे रहे हैं, आप बने रहिए वीडियो में, जल्दबाजी में मत पड़ेगा नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो 12 12 3 3 9, आपका देखिए फ्रेंड ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर 102 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया, ई वाला भी हो गया आपका, ठीक है ये हो गया। अभी क्या हो गया आपका, अब निकालने जा रहे हैं ये आपका, ठीक है अब आप क्या है 90 90 150 150 का हम 90% निकालेंगे तो क्या होगा, 10 हो गया 15 हो गया, 10 में 90 15 में 135। अब ये क्या हो गया आपका, ये आप बराबर कितना हो जाएगा 135, ठीक है 135 हो गया। अब चलिए इसको हम थोड़ा, अभी इसमें ये पूछा क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, क्या पूछा फ्रेंड सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो सब मिला के, अब औसत माने जानते हैं कि जितनी संख्या रहेगी अब वो ये उतना संख्या मतलब हम जोड़ेंगे, ठीक है फिर उसी में हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 संख्या है मतलब ना 6 बार है, तो फिर हम क्या करेंगे बटे सब वो नहीं करेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे और उतने के बटे हम 6 कर देंगे आ जाएगा, ठीक है इतना आएगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है 5 2 7 हो गया ना, 7 8 7 15 15 7 कितना हो गया आपका फ्रेंड, देखिए 7 3 10 10 2 12 8 20 5 हो गया आपका ये 25, और ये देखिए जब ये पॉइंट है तो ये 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 2 5 5 2 7 2 9 9 2 11 हो गया आपका, ठीक है अब क्या हो गया 1 1 2 2 1 2 3 4, ठीक है 5 6 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, फिर से हम जोड़ लेते हैं, ठीक है देखिए 5 ये पहले ये पॉइंट वाला हो गया तो पॉइंट हो गया 5 2, देखिए 7 3 10 10 8 18 18 2, तो फिर आपका ये कितना हो गया 715, पॉइंट क्या हो गया आपको 5 आ गया। अब देखिए हम मतलब ध्यान देंगे, अब इतना आ गया, अब औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे 715 700 क्या करेंगे 715.5 बटे के हम क्या करेंगे 100, तो ये 6 बार है तो हम क्या करेंगे 6 से अब इसमें हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो चलिए हम भाग दे के देखते हैं ना 715.5, ठीक है औसत निकालना है। और इसमें ये पूछा भी क्या है औसत एग्जैक्ट नहीं, औसत कितना निकाल, ठीक है तो 6 क्या क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है 1 हो गया, अब इसको ले लेंगे 6 क्या फिर 6, ठीक है अब ये कितना आ गया 11 में से 6 गया 5, ठीक है अब इसको हम 5 ले लिए, अब 6 6 9 क्या हो गया 54 हो गया, तो यहाँ हो गया 54 अब क्या, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड 5 में से 4 गया 1 हो गया, फिर यहाँ जब पॉइंट जब लगाएंगे तो ये आ गया यहाँ पे 6 दुना के 12, ठीक है आपको यहाँ पे कितना बचा 3 आ गया, फिर हम क्या करेंगे 1 0 अब यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, ठीक है तो 6 5 1 30 हो गया आपका ये, ठीक ये कैंसिल हो गया तो आपका ये कितना आया 7, तो यहाँ ये क्या आ गया 119.25 ये आ गया आपका। और इसमें ये पूछा गया
की औसत पूछा है तो आपका औसत मिला गया 119.25। जब जब औसत वाले जब आता है कि तो ये क्या हो जाएगा 119। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड।